इसराइल और ईरान के बीच इन दिनों जंग जैसे हालात हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके घर में हुई हत्या के बाद से ही ईरान और इसराइल के बीच तनाव जारी है। ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान किसी भी दिन इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन इस बीच इसराइल ने ईरान समर्थित लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते जा रहे जंग के हालात के बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली सेना के मुताबिक उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर रात भर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायल का ये हमला ईरान और लेबनान की धमकियों के बीच किया गया है। हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में की गई हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव है। ईरान ने इजरायल से हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने की धमकी दी थी, और अब ये भी माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ईरान और हिजबुल्ला की इन धमकियों के मद्देनजर कहा था कि इसराइल पर ये देश कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान और लेबनान की धमकियों को दरकिनार कर इसराइल ने हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। बता दें कि इन धमकियों के मद्देनजर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान और उसके गुर्गे हमें आतंकवाद के शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं। हम हर मोर्चे पर और हर क्षेत्र में, चाहे निकट हो या दूर, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। हिजबुल्ला ने भी इसराइल को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। हिजबुल्ला ने बीते शनिवार को इसराइल पर करीब 50 रॉकेट दागे थे। हालांकि इसराइल के आयरन डोम ने इन हमलों को रोक दिया था। इस बीच हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक ड्रोन हमला भी किया था, जिससे इसराइल गुस्से में था, और अब इसराइल ने हिजबुल्ला पर हमला कर साफ कर दिया है कि वो ईरान और लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ चुका है। Это Файмин? Это Файмин?